हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एन मैथ्स का चैप्टर नंबर थ्री कोऑर्डिनेट जोमेट्री एंड वी विल डू द एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नीचे क्वेश्चंस हैं हमें उसके आंसर्स देने हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ द नेम ऑफ हॉरीजोंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टीजियन प्लेन कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस होती है उनका नेम बताना है तो हाँ जी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ये आपस में क्या होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं ये ठीक है ना हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको बोलते हैं एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस ठीक है सो आंसर इज द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टीजियन प्लेन इज कॉल्ड एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी वाई एक्सिस होगी नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर टू वट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स मतलब जो ये लाइन्स हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेज इनसे जो प्लेन के पार्ट्स बनते हैं उसके नेम बताने हैं तो जो नेम है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन दैट इज फॉर्म्ड बाई एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेज वो है क्वाड्रेंट तो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ये प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन पार्ट्स का नेम है क्वाड्रेंट वन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट थ्री क्वाड्रेंट फोर ये एंटी क्लोकवाइज मूव करते हैं तो जो क्वाड्रेंट वन है उसमें जो साइन होगा देखो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है तो जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फर्स्ट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड जो सेकंड होगा वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट किसका है प्लस का और वाई कोऑर्डिनेट्स भी किसका होगा प्लस का तो क्वाड्रेंट वन के जो कोऑर्डिनेट्स uh, होंगे वो क्या होंगे प्लस कॉमा प्लस होंगे नेक्स्ट है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट सेकंड की जो कोऑर्डिनेट्स uh, हैं एक होता है हमारे पास देखो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी और इस साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और जो वाई कोऑर्डिनेट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा तो साइन होंगे माइनस वन कॉमा प्लस नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंट थ्री क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगा दोनों ही एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है तो इसलिए जो क्वाड्रेंट थर्ड में माइनस कॉमा माइनस हमारे एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस का होगा नेक्स्ट इज द क्वाड्रेंट नंबर फोर क्वाड्रेंट फोर में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे देखो पॉजिटिव एक्सिस है इधर नेगेटिव एक्सिस है तो क्वाड्रेंट फोर के साइन होंगे प्लस कॉमा माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे मीट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या होगा ओरिजन होगा ओरिजन को आप ओ से डिनोट करोगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग हमें बुक में ये फिगर गिवन होगा हमें इस कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर्स देने हैं तो सबसे पहले हम जो ये पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं तो देखो इधर L है ये हमारी Y एक्सिस है याद रखना है कि Y एक्सिस पे जो X कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा तो इसलिए X कोऑर्डिनेट जीरो होगा एंड Y कोऑर्डिनेट क्या हुआ फाइव नेक्स्ट है पॉइंट D इसमें जो X कोऑर्डिनेट है वो देखो X एकस एक्सिस पे मीट कर रहा है आपका सिक्स पॉइंट तो जो X कोऑर्डिनेट है सिक्स एंड Y एक्सिस पे जो टू पॉइंट मीट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ सिक्स कॉमा टू नेक्स्ट है बी बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा माइनस फाइव एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये एक्सिस पे टू इसके कोऑर्डिनेट्स हैं नेक्स्ट है एम के कोऑर्डिनेट एम जो है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वाई का पॉइंट आपका हमेशा जीरो होगा एक्स एक्सिस पे और एक्स का पॉइंट यहाँ पे गिवन है माइनस थ्री और वाई का पॉइंट जीरो नेक्स्ट है एच एच पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे क्या है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइव और वाई एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा माइनस थ्री तो कोऑर्डिनेट हुए माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री नेक्स्ट है ई पॉइंट ई पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री एंड वाई कोर्डिनेट इज माइनस फाइव नेक्स्ट पॉइंट इज जी जी पे एक्स द सी पॉइंट सी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट देखो फाइव पे कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे ये फाइव पे कट हो रहा है तो फाइव और वाई एक्सिस पे माइनस फाइव पे कट हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट है माइनस का फाइव तो हमारे जो सी के कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या हुए एक्ट फाइव कोमा माइनस फाइव नाउ सी क्वेश्चंस देखो पार्ट वन B अब बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पे देखो माइनस फाइव कोमा टू है तो यहां हमारा फाइव क्या होगा माइनस का एंड टू कोऑर्डिनेट इज सी सी के कोऑर्डिनेट्स है फाइव कोमा माइनस फाइव तो यहां पे सी के कोऑर्डिनेट्स हुए फाइव कॉमा माइनस फाइव एंड नेक्स्ट इज पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स टू कॉमा माइनस फोर अब देखो टू कॉमा माइनस फोर पॉइंट का है ये रहा कोऑर्डिनेट है ये इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा जी तो आंसर इज जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री माइनस फाइव तो माइनस माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइक करेगा तो माइनस थ्री माइनस फाइव जो पॉइंट है वो क्या है ई e. नेक्स्ट है एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी एप्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट डी का देखो डी पॉइंट है हमारा ये रहा तो इसका x कोऑर्डिनेट है सिक्स तो आंसर इज सिक्स नेक्स्ट है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट एच का एच पॉइंट का क्या होगा एच पॉइंट है हमारा माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री इसमें जो वाई पॉइंट है ये क्या है माइनस थ्री मतलब वाई कोऑर्डिनेट या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट हुआ आपका माइनस थ्री

एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे जो एम पॉइंट है वाई तो जीरो को होगा और एम क्या होगा माइनस थ्री को जीरो तो एम के कोऑर्डिनेट्स हुए माइनस थ्री को जीरो